नमस्कार दोस्तों, सफल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन किसे कहते हैं? काफी लोगों के ये कमेंट्स होते हैं, सर बिजनेस करता हूं मगर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, काफी वर्षों से बिजनेस कर रहा हूं मगर फिर भी सफलता नहीं मिली। वो कौन से कारण है जिन कारण से आपको सफलता नहीं मिल रही है? आइए आज इसी वीडियो में मैं वो 9-10 कारण ऐसे बताऊंगा जिन कारण से आप सफल नहीं हो रहे हैं। वो 9-10 ऐसे कारण हैं जो आपकी सफलता में बाधक हो रहे हैं। वो 9-10 कारण ऐसे हैं जिनके कारण आप जो परचम फहराना चाहते हो वो नहीं फहरा रहे हो, और वो कारण ऐसे हैं जो आपको पता तो होता है कि हाँ ये कारण होते हैं मगर उन स्टेप्स पे आपने कभी काम नहीं किया। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन की दिशा और दशा चेंज कर सकती हैं, आइए आज मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं कि चाहे आप एक छोटे दुकानदार हो, चाहे आप सब्जी की रेहड़ी लगा रहे हो, चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, इन 9 बातों की आपको बहुत जरूरत होती है। ये 9 बातें आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सीख लेनी चाहिए। और पहली बात उनमें से ये है कि जीवन में बहुत कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आप अपने बिजनेस में जहां बिजनेस पॉइंट पे आप बैठे हो, काम करते हो, वहां सब कुछ ग्राहक को तुरंत स्पष्ट करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं। जो ही ग्राहक कोई क्वेश्चन करे उस क्वेश्चन के हिसाब से आप जवाब देंगे तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। और आप अपने मन से ही पहले से ही बहुत कुछ बताना चाहते हैं तो ग्राहक आपसे रुखसत हो जाएगा। और ग्राहक आपके इसीलिए नहीं टिकते हैं कि आप बहुत कुछ बताना चाहते हो, ग्राहक को पूरी हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहता ग्राहक। ग्राहक अपने हिसाब से आया है, अपने हिसाब से जाएगा। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इस सिद्धांत को आपको मानना चाहिए। दोस्तों अच्छी यादें ही तो हैं जो जिंदगी का अमूल्य खजाना है, और उन्हें सहेज कर रखिए। इनको सही वक्त आने पर आपको वो यादें बहुत बड़ा फायदा दे देंगी। आपके अच्छे ग्राहक जो आपके पास कभी कभार आते हैं, उन अच्छे ग्राहकों में से और अच्छे ग्राहक कैसे बना सकें, यह आपको ढूंढना पड़ता है, यह आपको बनाना पड़ता है। यदि आप इनको बनाना नहीं जानते, अच्छे ग्राहक कैसे बनाए जाएं, यदि ये नहीं जानते, गुजराती लोग कहते हैं भाव भगवान होता है, भाव भगवान हो छे, ऐसा बोला करते हैं गुजराती लोग। तो भाव का ध्यान रखिएगा, कौन से भाव में, किस भाव में आप, किस रेट में आप सामान खरीद रहे हैं, आपकी परचेजिंग कैसी है। यदि आपको परचेजिंग करना ढंग से नहीं आता, आप अच्छे सेलर नहीं बन सकते, आप अच्छे दुकानदार नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई किसी भी बिजनेस की परचेजिंग करें, उस समय आपको बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही सावचेत होकर और बहुत ही हिसाब किताब निकाल करके परचेजिंग करनी चाहिए। अपन क्या इस भाव में ले जाकर वहां बेच सकते हैं अपने बिजनेस पॉइंट पे? यदि नहीं तो उस चीज को मत खरीदिएगा। मैंने बहुत से दुकानदारों को ऐसे को देखा है कि वो ऐसा स्टॉक ला करके रख लेते हैं कि वो बिकता ही नहीं है। क्यों नहीं बिकता? कि उन वो महंगे दामों में ले आए, अब आपके कंपटीटर उनको सस्ते दामों में बेच रहे हैं, उसी सामान को बेच रहे हैं, तो अब आपका सामान कैसे बिकेगा? इसलिए मैं कहूंगा खुद पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, और आपको दूसरे लोग भी देख रहे हैं, आपके आसपास वाले भी देख रहे हैं, कैसे आप काम कर रहे हो, कौन से तरीके से आप काम कर रहे हो, किस ग्राहक से किस तरह बात कर रहे हो, ये सारी बातें आपका पड़ोसी, आपका कंपटीटर आपकी सारी बातें नोट कर रहा है। और कस्टमर जिसको आप ये मानते हो कि ये तो कुछ नहीं जानता, वो बहुत कुछ जानता है दोस्तों। वो आपकी सारी बातों को इस दिमाग में, इस भेजे में कंप्यूटर की तरह से फीड करता है और वो जज करता रहता है कि ये कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है। इसलिए कस्टमर के साथ बात करते हुए आपको हमेशा सावचेत होकर के समझदारी से बात करना चाहिए। दोस्तों कई बार मैंने देखा है आप लोग अपने आप को कमजोर मान लेते हो। मैं कहना चाहूंगा कमजोर नहीं हो तुम,
बहुत कुछ बन और कर सकते हो, मगर सोचते तो बहुत हो मगर उतना करते नहीं हो। जब आप सोचते ज्यादा हो और करते कम हो, सोचते टन भर हो, करते विचार करते हो मन भर और करते हो रत्ती भर, तो अपने काम करने की स्पीड बढ़ाइए। जब तक आप अपने काम करने की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपने जो टारगेट बनाए हैं उनको अचीव नहीं करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। हर बिजनेस में फेल होने का कारण ही यही है कि आप टारगेट बना लेते हो, उन टारगेट को अचीव करना नहीं जानते हो। कैसे अचीव किया जाता है, न किसी की मदद लेते हो, आपको कोई जिस काम में आप जानकार नहीं है, जिस बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस स्किल को सीखने की कोशिश कीजिए। क्या कमियां हैं मेरे में, आप अपने आप को मान लेते हो फन्ने का बन गए। ऐसे फन्ने का बनने से कुछ नहीं होता है, आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मेरी दुकान में क्या कमियां हैं, मेरे बिजनेस पॉइंट में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से टूल्स मेरे पास नहीं है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, उन सारे साधनों को अपनाइए। जब तक आपके पास पूरे प्रॉपर साधन नहीं होंगे, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ भी करने से डर लगता है आपको, क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि आप डार्क में हैं, अंधेरे में हैं, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और जब नॉलेज नहीं है तो आपको डर ही लगेगा। और ये दुनिया क्या चाहती है, ये तो आपको डराना ही चाहती है। दुनिया कोई नहीं चाहता आपके माँ बाप के सिवाय, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपके माँ बाप के सिवाय आपका कोई मित्र नहीं है इस दुनिया में। सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, सब आपसे पैसा कमाने के लिए आते हैं। चाहे वो सेल करने वाला है वो भी आपसे पैसा कमाता है, परचेज करने वाला है वो भी आपसे पैसा कमाना चाहता है। ग्राहक ये चाहता है कि मैं दुकानदार को लूट लूं, और दुकानदार ये चाहता है कि मैं ग्राहक से ज्यादा पैसा वसूल कर लूं। तो फिर आप किसको अपना मानेंगे? हर जगह यही हालत है, और ऐसी स्थिति में आपको डरने से नहीं, करने से मतलब रखने चाहिए। आप कैसे करेंगे, कौन से तरीके से आप अपने बिजनेस को सही ढंग से चला पाते हैं, वो आपको सोचना है। आपकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, ये कहने वाले लोग ये जानते ही नहीं है कि किस्मत क्या होती है। अरे दोस्तों, किस्मत होती है मेहनत, जो आप मेहनत करेंगे उसी से किस्मत बनती है। आज का आपका आज आपकी किस्मत तय करता है। आप आज क्या कर रहे हैं ये आपकी किस्मत तय करती है। आप आज किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, किसके साथ आपने 2 घंटे व्यतीत किए हैं, ये बात कल आपकी किस्मत पर निर्धारित करेगी। आप कौन सा काम आज कर रहे हैं, ये बात आपकी कल की किस्मत निर्धारित करेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आप करते कुछ ही हैं, सोचते कुछ ही हैं, और दोष देते हैं किस्मत का। और एक बात और कहूंगा, आप ज्यादातर ये सोचते हैं कि मेरा कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, सच सच बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपने क्या आज तक किसी का साथ दिया है? तो फिर झूठी उम्मीद क्यों रखते हैं किसी से? जब आपने किसी का साथ नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब आपने किसी का साथ नहीं दिया तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो आपका साथ देगा? इसलिए यदि कुछ साथ देना चाहते हो, किसी की तरफ एक अंगुली उठाते हो, 4 अंगुली आपकी तरफ आती है, अंगूठे समेत 4 अंगुलियां, 3 अंगुलियां और 1 अंगूठा आपकी तरफ आता है। तो यदि आप किसी की मदद करोगे तो 4 गुनी मदद आपको मिलेगी। आप किसी को परेशान करोगे तो आप 1 परेशानी पैदा करेंगे, अगला 4 परेशानी पैदा करेगा। चाहे वो आपका घर पड़ोसी हो, चाहे आपका दुकान का नेबर हो, चाहे आपका पड़ोसी दुकानदार हो। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, देखिए बिजनेस में झूठ नहीं बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सब कहेंगे आपको झूठ बोलिए, मैं नहीं कहूंगा आपको कि झूठ बोलिए। बिजनेस में सच्चाई जितनी काम करती है, मैंने ऐसे ऐसे दुकानदार देखे हैं जो अपने उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रखते हैं कि इतने में बेच रहे हैं, उससे एक थैला कम नहीं लेते। वो 107 रुपए का आइटम है, वो कहते हैं 7 रुपए पहले दो जी, 100 का नोट बाद में दे देना, 107 रुपए ही लगेंगे, आपके जचे तो ले लीजिए, नहीं तो मार्केट खुला पड़ा है, आप देखिए वहां 110 रुपए मिले तो हमारे पास से ले जाइएगा। और उनके पास लाइन लगी रहती है, क्यों?
कि वो सच का कारोबार करते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी सच्चाइयां उगलने का आप में साहस जरूर पैदा हो जाएगा। दोस्तों कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आप कहते तो हो कि मेरा कोई अपना है ही नहीं, सच में अपने मन से पूछिए आपने किन किन को अपना माना था आज तक, जो आप अपना अपना पुकार रहे हो। वो कौन से ऐसे आदमी हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको आपने अपना आज तक माना है? जब आपने किसी को अपना माना ही नहीं तो आपका अपना होगा कौन? ये बिजनेस की सारी सच्चाइयां हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को आपने यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज में मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको ये छोटी छोटी टिप्स जो आपको पता होती हैं मगर भूले बैठे हो, इन भूली बिसरी यादों को मैं सहेज कर आपके सामने लाता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।